जी प्रीत जी के इलेक्शन की तैयारी तो जोरों पे चल रही है वीरेंद्र भाई। नहीं अब प्रीत जी इलेक्शन लड़े हैं यार, अंडी ने चाहे तेरे क्यों भारी हो रहे हैं है? छोटा सा काम बोले तो वही नहीं होके दे रहा तेरे से। तो जो फोन लिया ऐसे इस्तेमाल करना भी सीख लो वरना फेंक दो कूड़ेदान में। 10 बार कॉल कर लिया मैंने, 36 बार गुप्ता का कॉल आ लिया। अरे विजेंद्र भाई बोल दो उनको कि डन है। नहीं अपनी मर्जी से बोल दूं, कुछ भी बकता फ्री फंड में। अच्छा आप टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। टेंशन तो यही है कि तू है खाम खा टेंशन मोड़ ले ली यारी दोस्ती में। आज के बाद रिश्तेदारों का काम पकड़ना ही नहीं है। विजेंद्र भाई मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं। अरे भाई तो जैसे तैसे कर मारे ने इस मुसीबत से आजाद करा दे, खाम का रिश्तेदारी खराब करा रहा है। और मुझे नीचे तेरे जैसे लोगों से कमीशन आई बस समझ। जैसे तैसे कर इस डील ने नक्की कर, मारे ने सांस लेने दे। अच्छा वीरेंद्र भाई एक काम हो सकता है, अगर आप कहो तो इस प्रॉपर्टी के बजाय मैं दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा पेपर वर्क का झमेला पड़ रहा है। भाई ये बात पहले भी हो चुकी है, गुप्ता को अब यही प्रॉपर्टी चाहिए, झमेला है ना हो जाएगा, कर देंगे सौदा हो लेगा, किस बेस पे बोला था। भाई जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना वो चूतिए नहीं होते। पहले वो आदमी 10 लाख का टोकन अमाउंट दे चुका है, अब ईगो पे ले लेगा। भाई बड़े आदमी हैं ऐंठ गए तो ऐंठ गए, ऊपर से जितने की प्रॉपर्टी नहीं है ना उतने से ज़्यादा खर्च करके हमें गटर के गोते खिलवावेगा। इससे पहले कि प्रीत जी ने कुछ पता चले इस काम ने नक्की करा दे बस। ठीक है विजेंद्र भाई मैं करता हूँ सॉर्ट आउट। अच्छा एक नोटिस आया था, अगर आप प्रीत जी नहीं नहीं गाड़ी में बैठा था एसी की हवा खा रहा था नहीं आ लिया अरे ये तो काटते भी हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या सोचने लगे संजय भाई? संजय भाई मैं कह रहा था फिर क्या सोचा आपने? क्या सोचा? अरे अभी बात तो हुई है ना वो प्रॉपर्टी बेचने की, संजय भाई एक सही सलाह दूंगा तो अपना है ना माइंड मेकअप कर लो, बहुत सही टाइम है ये। इस वक्त है ना प्रॉपर्टी बूम कर रही है, जब से नई गवर्नमेंट आई है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, पूरा का पूरा शेयर मार्केट जैसा हिसाब किताब हो रहा है। आपको बताऊं एनसीआर टाइप की कम से कम 10 स्मार्ट सिटी आ रही हैं। अब तो है ही स्मार्टनेस का ज़माना है जी, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट कार, स्मार्टफोन। आप भी स्मार्ट हो जाओ संजय भाई, बहुत सही टाइम है, पार्टी भी इंटरेस्टेड है। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद प्राइस ऑन द मूव गिरेंगे ही गिरेंगे, बुरा मत मानना, तब हो सकता कोई भी आपका बंगला खरीदने को तैयार ना हो, तो यही टाइम है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि बाहर आने का वेट ही क्या करना है, जब आप बाहर आएंगे ना बैंक में आपका पैसा डबल हो जाएगा। कहाँ खो गए संजय भाई? Thank you.
जा 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 जल्दी जा। अच्छा बेटा तू जा, मैं स्कूटर पार्क करके आ रहा हूँ, ठीक है? यार वो जो मेरा अमाउंट बनता ना वो दे दे यार। नहीं बनता भाई, कुछ नहीं बनता। अरे कुछ नहीं बनता? कैसे नहीं बनता भाई, यार पार्टी तो मैं ही लेके आया था ना। अब तो एक महीने पहले लाया था, वो लाना लाना होता है क्या है? अब पार्टी खुद आई है ना मेरे पास डायरेक्ट। ठीक है यार, ठीक है, एक महीना ही सही। एक बात बता, अगर पार्टी को मैं नहीं बोलता कि फ्लैट की परचेजिंग हो रही है तो आती क्या? तो क्या एक फ्लैट खरीद के तेरे नाम कर दूं? है वो दिया था ना तुझे, बहुत है वो। अरे यार देख सुन, परचेजिंग हुई है ना, ओ मेरे भाई परचेजिंग हुई है तो कोई रिस्पेक्टेबल अमाउंट तो दे। परचेजिंग हुई है पर किस लिए हुई है? इसलिए हुई है क्योंकि मैंने ये परचेज किया है। भरोसा बढ़ता है पार्टी का इससे, जो करोड़ों फूंकती है ना पार्टी फ्लैट पे, इसी के भरोसे पे फूंकती है। सुन यार मेरी बात, तुम तो जैसे गली में हांडते हो दलालों के भरोसे पे नहीं करती। सरिश पानी लाओ एक गिलास। भाई कुछ तो लिहाज कर ले यार, हम दोनों ने एक साथ ही काम शुरू किया था। तो क्या एक साथ दी एंड भी कर दूं मेरे भाई? यार क्यों क्यों करते हो तुम है? जब होता नहीं है तो हनुमान जी कहकर गए थे क्या कि रियल एस्टेट का काम करो? अच्छा सुन, चल यार कुछ उधार ही दे दे। यार अजीब अजीब हिसाब है यार तुम्हारा, पिछला तो चुकाया नहीं जाता है और अगला और मांगने के लिए चले यार। आएंगे तो मैं दे दूंगा यार। नहीं है मेरे पास, समझा कर यार लौटा दूंगा। ओ मत लौटा भाई मेरे, मत लौटा, जो है ना तेरे पास तू उसको भी रख पिछला, बस अगला मत मांग, परेशान हो गया यार। हेलो, हाँ विजेंद्र भाई। ये भी सही कहो। देखो भाई टाइम हो लिया, अब क्या बजेगा भाई, खत्म करो अब और चलें फिर। ठीक है उपता जी, भाई चलने से पहले मैं आपका 5-स्टार इस्तेमाल कर लूँ जरा, आ रहा हूँ भी। फिनिश करो जी, मैं बनाता हूँ। ये गुप्ता जी फिनिश तो करो। अखिलेश और बंगले की कहानी कहाँ तक पहुंची? कल गुप्ता जी आए थे दुबई से, बार बार से ही देख कर चले गए थे। अंदर से तो मैंने वो बगल का एक बंगला दिखा दिया था उनको, उसी वक्त खरीदने को तैयार हो गए थे जी वो।
और लॉयर के बारे में बोल रहे थे ना कि लास्ट टाइम बोला था आपने। कहा था मैंने बात की थी कुछ लॉयर लोगों से बात की थी। अब मालूम नहीं वो कहते हैं कि कोई केस ही नहीं बनता इसमें। तो लॉयर था ना वो आपका मामा का लड़का। अच्छा अच्छा हाँ आप बोले थे ना। हाँ वो तो खुद अंदर हो गया जी पुलिस वाले पे हाथ छोड़ दिया। बताऊँ ढीढ़ तो है ही। वो मामा जी ने किसी तरह ज़बरदस्ती उसको वकालत करवा दी और अब खुद टेंशन में घूम रहे हैं। अच्छा ये देखिए देखो ये आप तो जानते ही जगह को। पहले इस एरिया में कितने बंगले थे, बंगले ही बंगले भरे पड़े थे नहीं, और अब यहाँ कम से कम 20 बिल्डर आ रहे हैं। अपने गुप्ता जी भी उन्हीं में से एक है। आप विश्वास करेंगे इन बिल्डर्स ने इन बंगले के मालिकों को इतना पैसा दिया है कि इनकी 100 पुश्तें बैठ कर खाएंगे। अच्छा वो आपकी कोर्ट की नेक्स्ट डेट कब है? मीना बैंक के पेपर्स नहीं मिल रहे इनमें। स्कूल से वापस क्यों आ गया? बिजू भैया। अरे तुम मार क्यों रहे हो? साले चूतिया पे चूतिया काट रखा है मेरा। अरे जिसकी प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके केस के बारे में पता तेरे को? अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, छूट जाएगा। एजेंट बने फिरते हैं, एबीसीडी नहीं मालूम नहीं धंधे की। अरे बच्चे और बीवी के मर्डर केस में अंदर है वो। 4 साल के बच्चे और बीवी का कतार किया उसने, लटकने वाला है वो। आपको गलत फहमी हुई है, उसने कुछ मेंशन नहीं किया ऐसा। अच्छा ये भी वो तेरे को बताएंगे? बढ़िया है ऐसा। अरे आंख के अंदर दिमाग खराब। गुप्ता का दुबई से फोन आया था, कह रहा था, पता क्या कह रहा था वो? अरे विजेंद्र जी आप तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो रहे हो, कोई पूरी इंफॉर्मेशन देते नहीं हो। अरे पैसे मांगने थे तो ऐसे बोल देते, 2-4 लाख तो हम यूं फेंक देते। समझते प्रीत जी को पार्टी फंड में दे दिया। अरे प्रॉपर्टी की जांच नहीं कर सकता था ढंग से? अरे क्या बोलूं मैं गुप्ता जी को? बोल दो चिंता मत करो। अरे उसके लटकने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होना हो उससे पेपर पे साइन करवा लेंगे, उसके बाद उसकी आत्मा आएगी रजिस्ट्री करवाने। एक और नोटिस है बैंक की तरफ से, 1 हफ्ते में घर खाली करना होगा नीलामी के लिए।